हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग का खूब सारा स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग का करते गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग आज संडे को रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए मेरा भी थोड़ा आप लोग देख रहे हो सर्दी खांसी है। और अभी मैं हूँ किचन में, पूजा वूजा करके आई हूँ। अरे बनाऊँगी मैं लंच, तो आलू पटल की सब्जी बनाई हूँ। अभी कुंदरी रखी हूँ, उसका भुजिया बनाने जा रही हूँ मैं। तो आप लोग से बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, क्योंकि हम लोग सब बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुआ है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर उस टाइम तो मैं नहीं कर पाई हूँ, बट अभी करूँगी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और ब्लॉग को खूब से लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं जा रहा, उसी बीच का ये सब घटना है। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी घट गए हैं 2-4, तो बट कोई नहीं, मैं इन्फॉर्म नहीं की थी आप लोगों का, तो आप लोग का भी हक बनता है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ देर में, और आप लोग बताइएगा कैसे सिचुएशन में मेरा ब्लॉग शूट करना सही था। अरे क्या हो गया, क्या तो क्या खाइएगा फिर? उसे खाते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, तो मैं ब्लॉग अभी फिर से शुरू किया, अभी रात के 8:30 हो रहा है। और ये ब्लॉग मैं शूट करूँगी और लाइव भी करूँगी। मैं आप लोगों से कुछ बातें करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी है। पास्ता 1 किलो खाने के लिए बंद है पास्ता, इसलिए पास्ता बन रहा है। और मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है, इसलिए देखिए ये बॉयल हो रहा है, ये हो गया। मैं इसको थोड़ा छान लेती हूँ, फिर तुम लोगों से बातें करती हूँ और बताती हूँ आपको। तो मैं आप लोगों से पास्ता बना देती हूँ, बात करते हैं। थोड़ा भूख लग गया, मेडिसिन खाना नहीं है, इसलिए आप लोगों को अंदाजा लग गया लड्डू से रिलेटेड ही कुछ है। यही है ना कि आज है 2 जून है ना, उस दिन था 31 मई, 31 मई का था। और मैं यहाँ फोन रखती हूँ और बनाती हूँ और आप लोग से बातें करती हूँ। 31 जून था और उस शाम का टाइम था, 5:30 का टाइम, जब से अच्छा ही आ रहा है। 5:30 का टाइम हो रहा था, और क्या वरना हुमैन का बुक जो मिला था, उसको मैं स्कूल से लेके आई थी, वो मुझे कवर चढ़ाना था। तो कवर चढ़ाती थे तो ये बोले, उसने जाती है मुझे खेलने, तो ये बोले कि मामा मुझे खेलने जाना है। तो ये बोले ठीक है आप जाओ खेल के आओ थोड़ी देर। तो ये गया खेलने, तो हाँ मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और लड्डू का पास्ता बना के दे दी मैं। अभी हम लोग का बन रहा है, प्याज डाल दी हूँ फ्राई होने का। तो ये था ना कि 31 मई का दिन था यार दोस्तों, वो सीन याद करने पर ना ऐसा लग रहा है ना कि मैं पागल हो जाऊँगी। अभी भी क्या हुआ ना कि लड्डू खेल लेंगे, मैं कवर लगाने के लिए बैठी डाइनिंग टेबल पर लेके, और मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो मैं बात करने लगी। जस्ट 2 मिनट हुए होंगे गाइज, 2 मिनट बच्चे को गए हुए, 2 मिनट में गए, और अचानक से एक लड़के को बोली आंटी आर का हेड ओपन हो गया है, मैंने फट गया है। मुझे तो शौक लगी, अरे अभी तो गया, अभी इतना रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे सामने वाले ना बहुत मदद किए, जबकि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे, कोई नहीं था घर पे, मैं अकेली थी मैं और लड्डू। तो मैं बोली तो दोनों हस्बैंड वाइफ दौड़ के गया, मैं भी डोर लॉक की और फ़ोन उठाई और चल गई। मेरा दिमाग देखिए काम किया कि मैं फ़ोन अपने हाथ में ले ली, लेके गई ना दोस्तों। अगर वो सीन कोई रिकॉर्ड कर लेता ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। इतना ब्लड यहाँ फटा है, एक्चुअली यहाँ सर फट गया है इतना, मैं आप लोग को भी दिखा दूँगी। इतना ब्लड, मैं क्या ही बोलूँ। जो मेरे सामने वाली थी ना आरा का तो पूरा टी शर्ट भींग चुका था, सामने वाली थी उसका भी टी शर्ट भींग गया, उसे दबाई थी ना उसके हैंड से पूरा से कि हुई से गिर रहा है ब्लड बाहर।
फिर मेरे संदर्भ में कार लेके आता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। तो जल्दी जल्दी कार लेके आ गए हम लोग, यहाँ मेन रोड पे बीमार ले करके हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग ले गए इमरजेंसी में दिखा। तो फिर बाप रे, मेरा तो रो रो के हालत खराब, मुझे सामने वाली नहीं रहती ना तो मैं टाके भी नहीं लगवा पाती, इतना वो रो रहा था, इतना चिल्ला रहा था, वही सारा कुछ कि मैं तो बाहर खड़ी थी ऐसे चुपचाप, मेरे रोने की जगह कुछ और सूझ ही नहीं रहता। मैं इनको भी नहीं बता सकती थी कि ये ड्राइव कर रहे थे, ये फ़ोन किए थे जैसे ही रखे कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, तब तक ये कांड हो गया। मैंने इनको नहीं बताई थी, अभी 3 स्टिचेज पड़े हैं उसके सर में, नाड़ू के सर में, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए एक्चुअली, आ जाएगा ये ब्लॉग। 3 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं, मेरे कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था, क्या ही दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, तो आज सोची कि नहीं आप लोग में मेरे फैमिली हो, आप लोग को इन्फॉर्म करना बनता है। तो आज हम लोग इसको लेके गए थे ड्रेसिंग करवाने, तो पट्टी उखाड़ दिया डॉक्टर, बोले कि रिकवर हो रहा है, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। और भी कुछ कुछ है आगे जो मुझे हम लोग को भी लड्डू से रिलेटेड जो कि करवाना है, तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी कि डॉक्टर क्या बोला और आगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 5 मिनट का हो गया। तो अभी हम लोग इनको ले जाएंगे, दूसरे दिखाए हैं वहाँ, एक अच्छे डॉक्टर से भी दिखाएंगे, क्योंकि सर का बात है ना, बच्चा है। तो ये डॉक्टर बोला, मैं बता देती हूँ यार इसी ब्लॉग में, कि आप लोग अगर आप लोग का मन करे तो सीटी स्कैन करा लेना, बट हम लोग क्या फैसला करेंगे, कराएंगे नहीं कहेंगे कि नहीं कराएंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, एक ही तो बच्चा है। तो सीट के स्कैन कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे वो अभी पता नहीं है, थोड़ा घाव भर जाए लड्डू का फिर हम लोग कराते हैं, पहले डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे क्या बोलते हैं डॉक्टर, फिर देखते हैं। तो यही है, मैं थोड़ा सा आज का फ़ोटो ली हूँ लगा दूँगी, और आप अपना मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, क्योंकि रोने लग रही हूँ, उनको दिखाना नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी लड्डू को पास्ता दे रहे हैं, तो लड्डू खा रहे हैं, और देखिए आज हमने थोड़ा सा दिखा दीजिए बेटा, ड्रेसिंग कराने गए थे, देखिए इतना फट गया है। ये भी डिनर कर रहे हैं, डॉक्टर बोला कुछ कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ देनी थी इनको, पास्ता खाना था नहीं बेटा, तो ये देखिए बोल दीजिए आप लोग, प्रे करिए मैं जल्दी अच्छा हो जाऊं। वैसे स्पून से नहीं खाते हैं बेटा, लग जाएगा। आज हम लोग ड्रेसिंग करा के लाए हैं, थोड़ा फट गया, फटा हुआ था ना, पट्टी लगा हुआ था इससे पहले, कल परसों को भी, आज ड्रेसिंग कराना था, हम लोग ले गए तो यही था। तो चलिए क्या ही बोले, जो होना था जिसमें तो लिखा हुआ था, कितना क्या ही कर सकते हैं। और ये कैसे हुआ मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग बता दूंगी कि कैसे फूटा है खेलने के वक्त, तो खेलने के वक्त फूटा है ये सर। और सोच रही हूँ किसी ब्लॉग में रिवील कर दूँ क्या कैसे फूटा है। चलिए इसके साथ, लड्डू का गलती तो नहीं था ये सर फूटने में, तो चलिए मैं ब्लॉग प्रॉपर बताऊँगी, बैठ के बातें करूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा डिनर बना रही हूँ तो डिस्टर्ब हूँ अभी। तो चलिए बताती हूँ किस लड़के की गलती से मेरे बेटे का सर फूटा है, मैं ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए बाय बाय, और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।